खान आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज हमारे देश में इस कदर महंगाई बढ़ गई है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले सामानों के दाम इस तरह आसमान छू रहे हैं। खासकर पेट्रोल और डीजल के दामों ने हाहाकार मचा के रख दिया है, जिसको लेकर 10 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। पेट्रोल डीजल के दाम लगभग सेंचुरी बनाने तक पहुँच चुके हैं। बढ़ते दामों को लेकर लोगों का गुस्सा बीजेपी सरकार पर जमकर फूटा। मुंब्रा में डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर एनसीपी और समाजवादी ने मिलकर साइकिल रैली निकाली। भरेंगे इसमें हमारे बच्चों की एजुकेशन में रुकावट हो रही है। अगर आप महंगाई कम करते हैं तो बच्चे आगे पढ़ेंगे और एजुकेशन में आगे जाएंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारी इस महिलाओं की सुनवाई सुने और इस पे एक्शन ले ताकि वो अपना घर अच्छे से चला सके। आज का जो ये था महंगाई को लेकर था आंदोलन, जैसा अभी घरेलू चीज़ें औरतों को जैसा बाटला है। परसों ही मैंने लिया 810 रुपये पे की मैंने, महंगाई बढ़ने की वजह से पूरा बजट हिल जा रहा है। पूरा भारत बंद है, आज मुंब्रा बंद है, आज है सर्वदलीय के हमारे साथियों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से, कांग्रेस की जानिब से, समाजवादी की जानिब से, आज ये मिलकर के अपना मनसे की जानिब से, आज तमाम पार्टीज के मिलकर के हम लोगों ने आज यहाँ पे मुंब्रा शहर को बंद करने के लिए हम लोगों ने आह्वान किया था। और आह्वान करने के साथ में हम लोगों ने ये अपील की थी कि अमन और शांति के साथ में शहर बंद रहे। जिस तरीके से अमन और शांति के साथ में शहर बंद रहा, साथ साथ में आज जो हिंदुस्तान की बढ़ती हुई महंगाई है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, रसोई हो, देखिए कहीं ना कहीं मेरा इनके लिए यही कहना है कि कहाँ गया तुम्हारा वादा, झूठा तुम्हारा वादा। तो इस तरीके से ये जो झूठे वादे हमेशा बीजेपी गवर्नमेंट करती है, मैं ये बीजेपी गवर्नमेंट के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट निकम्मी गवर्नमेंट साबित हुई है। 2019 में यही आवाम, यही हिंदुस्तान भारत के लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी, मेरा इतना ही कहना है। और साथ साथ में आज जो तमाम पार्टी के लोगों ने हम लोगों ने मिल करके
एक साथ में एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के हम लोगों ने आज भारत बंद में समर्थन दिया है। मैं उन अपने तमाम साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ साथ में डिपार्टमेंट का भी, कि डिपार्टमेंट के लोगों ने भी हमारा, हम लोगों का पूरा ताउन दिया है, पूरा साथ दिया है। मैं आज एक एक साथियों का, यहाँ खड़े हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरा देश आज पेट्रोल की, डीजलों की, बुनियादी जो ज़रूरतों की चीज़ है उससे पूरा देश परेशान है और पीड़ित है। तो एक खासा इसका असर रशीद कंपाउंड में भी रहा, और पूरे हिंदुस्तान का जब नागरिक परेशान है तो वही हाल रशीद कंपाउंड के लोगों की भी है। ये सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में बिल्कुल निकम्मी साबित हुई है, जिसने लोगों की बुनियादी ज़रूरत से लेके सारी चीज़ों को दरकिनारे करते हुए एक पूरा कंप्लीट फेलियर साबित हुई है सरकार। प्रदेश से सभी पार्टियाँ, समाजवादी, मन से, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, सभी ने मिलकर बंद किया। और अमृत नगर का पट्टे से लेकर साले मार्केट आप जो देखिए, अमृत नगर का जो मुख्य इलाका है वो सभी कड़कड़ित बंद रखा लोगों ने, क्योंकि लोगों को बताना भी नहीं पड़ा। कई लोगों को तो मालूम भी नहीं, बंद है, मैसेज लोगों तक पहुँचा नहीं, लेकिन फिर भी जिनको मालूम पड़ा उन्होंने तुरंत सरकार के खिलाफ अपना गुस्से में तुरंत बंद रखा। और ये सरकार सोचे नहीं कि लोग ऐसे ही चल रहे हैं, फिर रहे हैं, दुकानें थोड़ी बहुत खुली भी है तो ये मदोश ना रहे। लोग अपने गुस्से को 2019 में वोट के माध्यम से बताएंगे, मुझे यकीन है, क्योंकि बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार, पेट्रोल की कीमत और रुपया किस हद तक गिर गया, ये सभी से लोग बेजार है और सरकार पे अपना गुस्सा करेंगे, ये यकीन है। रैली के दौरान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, मोदी सरकार हाय हाय के नारे, मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लोग लगाते रहे। बंद का असर मुंबई में देखने को मिला, लोगों ने सुबह से ही अपनी दुकानें बंद रखी थी, लेकिन जिन लोगों ने दुकान खोला था वो भी धीरे धीरे अपनी दुकानें बंद कर दिए। आपको बता दें कि आज पूरा देश महंगाई की मार झेल रहा है, वहीं हमारी सरकार महंगाई रोकने में नाकाम साबित हो रही है। तो देश और दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राग टाइम्स।